कब पाप कब पाप जय जय प्रभु पाप जय जय प्रभु पाप प्रभु पाप प्रभु पाप प्रभु पाप नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल हरि हरिनाम संकीर्तन के जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री महाप्रभु की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री श्री राधा दामोदर की जय श्री श्री यशोदा दामोदर की जय निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय आराध्यो भगवान ब्रजेश तनाय तद धाम वृंदावन राम्या काचिदुपाशण ब्रजवधो व्रगेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण मम प्रेमापुमेतो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरे न पर वंशी विभु शितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम् वफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वहं न जाने करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटशपत्र शपुटे शयानं बालं मुकुंदं मनशाश्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
मेरे पीछे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नारायणं नमस्कृत्यं, नारायणं नमस्कृत्यं, नरं चैव नरोत्तमं, नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं, देवीं सरस्वतीं व्यासं, ततो जयमुदीरये, ततो जयमुदीरये, नष्प्रायेषु भद्रेषु, नष्प्रायेषु भद्रेषु, नित्यं भागवत सेवया, नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके, भगवती उत्तम श्लोके, भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रतिस्थापित इस सात दिवसीय भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि गोपाष्टमी को आज ये कथा यहाँ पर प्रारंभ हो रही है और लगातार सात दिनों तक हम भगवान के दिव्य कथा का श्रवण यहाँ पे करेंगे। तो ये बड़ा ही पावन महीना भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाला कार्तिक महीना, विशेषकर भगवान कृष्ण को अति प्रिय परम प्रिय भक्त वात्सल से परिपूर्ण इस कथा इस महीने में भगवान को प्रसन्न करने वाली भगवत कथा का श्रवण हम लोग कर रहे हैं। ओ, वैसे तो कथा का टॉपिक तो कुछ और ही है, लेकिन आज तिथि क्या है? गोपाष्टमी। गोपाष्टमी अर्थात क्या? क्या हुआ था आज के दिन? अब जानते हैं। वैसे आज कार्तिक महीना है ना, कार्तिक महीना चल रहा है, कार्तिक महीना चल रहा है और कार्तिक महीने में सबसे अधिक भगवान की जो लीलाएं हुई है वह कौन से महीने में हुई है? कौन से महीने में? वैशाख। कार्तिक महीना बड़ा 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 ही पवित्र महीना माना गया है और सबसे पवित्र माना गया है। अब जानते हैं इसमें छोटा सा छोटा भक्ति का कार्य अनगिनत लाभ देने वाला है, हजार गुना लाख गुना नहीं अनगिनत लाभ देने वाला है। तो आज के दिन क्या लीला हुई थी? बताइए बताइए आपने से कोई। भागवत के दसम स्कंद के 15वें अध्याय में
श्री सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक वाच ततश्च पौगंड वयस्री तु व्रजे बभूवतुस्तो पशुपालसम्मतो गाशार्यान्तो सखिभिषमं पदे वृन्दावनं पुन्यं अतीव च क्रतुः ततश्च पोगंडप्य। क्या कह रहे हैं? ततश्च अर्थात पहले तो है शुकवाच। किसने कहा? सुखदेव गोस्वामी ने कहा। ततः तब, ततः अर्थात तब, और च मतलब च मने और तथा ततश तब पोगंडव्यः पोगंडवयः मतलब पोगंडवस्था। पोगंडवस्था कितनी होती है? छह से दस साल। तो जब भगवान पांच साल के आयु क्रॉस करके कौन सी एज में पहुंचे? छह साल में। पौगंडवयः श्रितो वर्जे, श्रितो मतलब प्राप्त किया, वर्जे वृंदावन में। क्या हुआ? जब भगवान ने पौगंडवस्था छह साल का आयु में भगवान प्रवेश किए, कहां पर? वृंदावन में। बभूवतस्तो, बभूवा मतलब बन गया वो दोनों। कौन? तो मतलब दोनों। कौन कौन? कृष्ण और बलराम। श्री कृष्ण बलराम की जय। तो बभूवतस्तो पशुपाल सम्मतो। कुछ समझ में आ रहा है? बभूवतस्तो, बभुआ मतलब हो गया। कौन? दोनों। पशुपाल सम्मतो, सम्मतो मतलब सम्मत है, हम आपके साथ सम्मत है, मतलब हमारी सहमति है। बभुआ उन दोनों की, किसमें? पशुपाल सम्मतो। बोलिए हमारे साथ, पशुपाल सम्मतो, पशुपाल सम्मतो। समझ पा रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बभूवतस्तो, जब वह पौगंड अवस्था को प्राप्त हुए, बभूवतस्तो उन दोनों को पशुपाल सम्मतो, मतलब गाय को चराने की अनुमति। पशुपाल सम्मतो किस चीज में? अभी वहां नहीं गए, क्षमा चाहूंगा। पशुपाल सम्मतो किस चीज में? तो गाह चरयंतो। किस में? गाह चरयंतो, गौओं को चराने की सम्मतो मतलब अनुमति मिल गई। किसके साथ? सखी भी समम पदे है, मतलब अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ। कितना अद्भुत है ना? भगवान पूरी दुनिया चलाते हैं, हैं? मैया अध्यक्षन प्रकृति सुइते सा चरा चरा, मेरी अध्यक्षता में ये पूरी दुनिया क्या होती है? चल रही है। हाँ, माप पृथ्वी, सूर्य देव है ना। यमराज जी कहते हैं ना अपने दूतों को, जब उनके दूत आए कि प्रभु प्रभु आज तो मारे गए थे, हम तो आप ही के, हम तो सोचते थे आप ही भगवान हैं, लेकिन आपसे भी बड़ा कोई भगवान है। बोले हाँ,
बोले अरे आज तो वो चारों मार देते हमें, आपने हमें हमारा इंश्योरेंस पेपर भी नहीं दिया, मर गए होते तो हमारे बच्चों का क्या होता, कौन भरण पोषण करता, हम तो आपको ही भगवान कह समझ रहे थे। बोले नहीं 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 नहीं, तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हम भगवान नहीं, हमसे भी ऊपर भगवान है और हम उनके ही आंखों के इशारे से कार्य करते हैं। मैं ही नहीं, मैं चंद्र इंद्र इत्यादि सब लोग उनके ही इशारों से कार्य करते हैं। किनके? कृष्ण विष्णु के इशारे से। तो जो भगवान सहमत है, मतलब सर्वसमर्थ है सब कुछ करने में, जो पूरी दुनिया चलाते हैं, सब कुछ जिनके इशारे से ही चलता है, वह भगवान किस चीज के लिए वेट कर रहे हैं? गाय चराने की अनुमति के लिए। ये भगवान की माधुर्य लीला है, मीठा लीला है। भगवान पूरी दुनिया चलाते, अपनी भ्रिकुटी तरेर देते हैं तो सारे ग्रह नक्षत्र इत्यादि कांपने लगते हैं, थर 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 थर। मतलब भगवान क्या नहीं कर सकते हैं? लेकिन उसी भगवान को गाय चराने के लिए व्रज में क्या करनी पड़ती है? अनुमति लेनी पड़ती है। दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं लेकिन ब्रज में गाय चराने के लिए अनुमति। क्योंकि भले ही दुनिया के लोग कृष्ण को भगवान माने, महान माने, अरे तो बहुत बड़ा देवता है, बहुत बड़ा भगवान है, सर्वसम्मत है, ये सब कुछ यही करता है, लेकिन ब्रज में ये तो मेरो लालो है, है ना? कृष्ण कहते भी हैं, तुम जानते हो मुझसे ही पूरी दुनिया प्रकट हुई है। चल बैठ चुपचाप साइड बैठ। अमरेंद्र प्रभु बहुत सुंदर कहते हैं ना, तुम्हें पता है मेरे मुख में ब्रह्मांड है, तेरे मुख में लड्डू है, लड्डू खा। समझ रहे हैं ना? तो भगवान को ब्रज में सब लोग क्या मानते हैं? लाला मानते हैं, मेरा बेटा है, मेरा छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। अब ये बच्चा कितना प्यारा है वो तो आने वाले 7 दिनों में आप सुनिएगा क्या क्या इसके कारनामे हैं, ठीक है? तो खैर अभी हम लोग इतना चर्चा कर रहे थे कि ब्रज में अनुमति चाहिए इनको, नहीं तो थोड़ा विचार करिए कि इनको किसकी अनुमति की जरूरत है, बताइए किसकी अनुमति? भागवत के, अगर आप भागवत खोले ही पहले ही अध्याय के, पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले ही श्लोक में क्या कहते हैं सुखदेव जी को, वेद व्यास जी क्या कहते हैं? जन्माधशयतोन्वयात चरित चरथेषु अभिज्ञ स्वराट। स्वराट ध्यान दीजिएगा, कहते स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुयन्ति सूर्या तेजो वारि मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्माधश्य यतोन्वयात, क्या कहते हैं? जन्माधश्य अतोन्वयात आदि तरत च अभिज्ञ स्वराट। स्वराट स्वराट मतलब पूर्ण स्वतंत्र हैं। जो स्वराट मतलब क्या हो गया? जो पूर्ण स्वतंत्र है वो है स्वराट। लेकिन जो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, ऐसे भगवान को भी व्रज में कृष्ण पूरी तरह से प्रतंत्र हैं, और इतने प्रतंत्र हैं कि कभी कभी बांध दिए जाते हैं, है ना? तो फिर यह ब्रज भाव है, और अगर इस भाव को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं ब्रज में जाना होगा। आप लोग अभी आए हैं शायद वहां से, नहीं ब्रज भाव जागृत होगा तो ब्रज में जाना होगा, परिक्रमा करनी होगी ब्रज की, वृंदावन की, तब जाकर के कहीं हम समझ सकते हैं। जब तक हम ब्रज को नहीं समझेंगे ना, हम ब्रजवासी को नहीं समझेंगे।
और व्रजवासी को जब तक नहीं समझेंगे तो वह प्रेम नहीं समझेंगे, और अगर वह प्रेम नहीं समझेंगे तब फिर हम ब्रजराज कृष्ण को क्या समझेंगे जी। बड़े बड़े देवता जिनके चरणों में निवेदन करते हैं, वही कृष्ण आज व्रजवासियों से निवेदन कर रहे हैं कि हमें गाय चरानी है। ततश्च पौगंडभ्यः श्रितो व्रजे, है ना। तो इस प्रकार से भगवान जब 6 साल के हो गए तो अनुमति मिली किस चीज के लिए, गाय चराने। उससे पहले भगवान चराते थे, लेकिन जैसे अब अपने ही बच्चों को अगर आप देखें तो सरकार अनुमति देती है मोटरसाइकिल चलाने की कितने साल के बाद, 18 साल के बाद। उससे पहले बच्चे क्या चलाते हैं, साइकिल। लाइसेंस नहीं दिया जाता है, माता पिता भी चाहते हैं कि मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए तब देते हैं, लेकिन छोटी अवस्था में नहीं देते हैं। तो उसी प्रकार से उससे पहले भगवान को जो छोटे छोटे गाय के बच्चे होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, बछड़ा, बछड़ा, बाछी, इन सबको चराने की अनुमति थी। तो भगवान उन सारे बछड़ों को ही खोल करके यही आसपास अपने घर के आजू बाजू ही क्या करते थे, चराते थे, है ना। उसको उनको बाहर लेकर के नहीं जाते थे, बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन आज के दिन को उनको पूर्ण सहमति मिल गई नंद यशोदा से, ब्रजवासियों से, गुरुओं से, कि अब तुम जो है सो गाय को चरा सकते हो। अगर आप विचार करें हैं तो कृष्ण का जन्म कब, थोड़ा सा कुछ आप पकड़ पा रहे हैं श्लोक में, ततश्च पौगंडभ्यः श्रितो व्रजे। भगवान पौगंड अवस्था को प्राप्त हुए, और पौगंड अवस्था मतलब 5वां खत्म और 6ठा शुरू। भगवान का जन्म कब प्रकट, कब भगवान कौन से मास में, भाद्र मास, और अनुमति मिली कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के अष्टमी में। जन्म कृष्ण भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी, मतलब 2.5 मंथ का डिफरेंट, यही हो रहा है ना, ढाई महीने का डिफरेंस। अब थोड़ा अगर विचार कर रहे हैं तो फिर मतलब यहां पे सुखदेव गोस्वामी क्यों कह रहे हैं कि पौगंड अवस्था को जब प्राप्त हुए तब, मतलब क्या कार्तिक में पौगंड अवस्था को प्राप्त किए या भाद्र में ही, क्या लग रहा आप लोग को। भगवान तो पौगंड अवस्था को प्राप्त हो गए थे भाद्र मास में ही, तो यह 2.5 महीना तक कृष्ण बलराम अपनी माता पिता को मना रहे थे कि अब हमें लाइसेंस दे दो, अब हम जाएंगे गाय चराने के लिए। तो मनाते मनाते मतलब इतना प्रेम था, उन्हें लगता ही नहीं था कि हमारा लाला बड़ा हो गया है, ये 6 साल का हो गया है, अब ये गाय चरा लेगा, ऐसा उनको विश्वास ही नहीं था। इतना प्रेम था यशोदा देवी को कृष्ण से कि मेरा लाला अब गाय चरा लेगा, ऐसा विश्वास नहीं था। डरती थी, प्रेम था कि इतने कंकड़ पत्थर जंगल में जाएगा, कुछ जंगली जानवर ना नोच ले, ये सारे बहुत प्रकार से प्रेम था, तो इसलिए उनको नहीं दिया। लेकिन आज मनाते मनाते 2.5 महीने से मनाते 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 आज आदेश मिल गया। कोई दूसरा आचार्य कहते हैं कि भाई आदेश तो 2.5 महीने पहले ही मिल गई थी, लेकिन यशोदा रानी क्या कर रही थी, अपने लाला को ट्रेनिंग दे रही थी कि कैसे कृष्ण बछड़े को चराना है। तो इस प्रकार से ये सारे आचार्य के भाव हैं। एक और भाव बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है कि भाई यद्यपि आदेश तो भाद्र मास में मिल गई थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब कृष्ण जाने लगे तो नंद यशोदा ने कहा कि बेटा जूते पहन लो। माने नहीं, बोले पिताजी हम लोग गोपाल हैं, मतलब गोपाल मतलब गायों का पालन करने वाला, हम गाय के रक्षक हैं, हम गाय के सेवक हैं, और जब हमारा मालिक कौन हुआ, गाय,
तो जब हमारा मालिक बिना जूते का रहेगा तो फिर सेवक कैसे जूता पहन ले। बोला अगर हमें पहनाना ना पिताजी तो पहले 9 लाख गाय को जूते पहनाओ और फिर मुझे पहन। नंद बाबा सोचने लगे अब तो 9 लाख गाय और 9 चौके 36 लाख जूते। अब नंद बाबा सर्वसमर्थ हैं, पैसे की कमी नहीं है, अब लेकिन गाय के लिए कैसा जूता बनाया जाए सोचो। है ना, तो विश्वनाथ शिवरी ठाकुर यहाँ बहुत सुंदर कोट करते हैं, बहुत सुंदर कमेंट्री करते हुए कहते हैं कि भाई ऐसे तो नंद बाबा सर्वसमर्थ हैं, वो बना भी सकते थे, लेकिन जब यह संघर्ष घर में चल रहा था, डेली नंद यशोदा कहते कृष्ण को पहन लो, ये कहते नहीं पहनेंगे, पहन लो नहीं पहनेंगे, नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ, यह बात धीरे 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 उड़ते उड़ते गौशाला में आ गई। कहाँ आई? गौशाला में। और जब गायों को यह बात पता चला ना तो वह एक दूसरे से बोलने लगे कि भाई देखो हमारा मालिक हमारा बाप, क्योंकि ब्राह्मण जो है भगवान क्या है, नमो ब्रह्मण देवाय फिर गो ब्रह्मण हिताय च, गो 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 का क्या करने वाले हैं, हित करने वाले, पालन करने वाले। तो ऐसे भगवान हमें चराना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पाँव में जूता नहीं है ना इसलिए नहीं चराना चाहते। ये बात गायों को बड़ी ऐसे बड़ा मतलब लग गया, बोले क्या करें क्या करें क्या करें। सब गाय ऐसे तो आप जानते हैं गाय को कैसे रखा जाता है, उसको खूंटे से बांध दिया जाता है, लेकिन उस समय सारे गाय एक साथ खूंटे को तोड़ दिए और निकल गए ब्रज में। और ब्रज में निकल करके जहां पे जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इत्यादि थे ना, सबको अपने खूर से मार मार कर मार मार कर मार मार कर तोड़ तोड़ कर तोड़ तोड़ कर क्या बना दिए, ब्रज रज बना दिए। इतना कूटा इतना कूटा कि वह ब्रजरज बना गए। हम पूछते हैं ना कि ये ब्रजरज इतना सॉफ्ट कैसे है, आपकी गांव की मिट्टी उतनी सॉफ्ट है जितना ब्रजरज सॉफ्ट है, देखा है नहीं सॉफ्ट है, क्यों, क्योंकि गांव ने उसको चूर दिया है। मैं अगर एक बात कहूं कि मायापुर में भगवान की कृपा कहां, मायापुर में भगवान की कृपा कहां, हरिनाम में, कहां पे, हरिनाम में, जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद में, हरि हरि जगन्नाथ के भात जगत पसारे, हाँ। लेकिन ब्रज में कहां रखी वो कृपा, तो ब्रज रज में, हरि हरि। लेकिन उस कृपा को बाहर निकाला किसने, गायों ने। जरा सोचो गो माता न होती तो व्रज रज नहीं होता, और व्रज रज नहीं होता तो व्रज राज की कृपा कैसे मिलती। तो गो माता की बहुत कृपा है। तो इस प्रकार से आज गोपाष्टमी के दिन भगवान को गाय चराने का आदेश उनके माता पिता के द्वारा दिया गया। बहुत ही सुंदर कथा है, लेकिन आगे पूरा गोचारण लीला का वर्णन कि किस प्रकार से भगवान गायों को लेकर के चले हैं, किस प्रकार से बलराम जी साथ में हैं, किस प्रकार से पेड़ पौधों के ऊपर फूल और फलों से लदा हुआ है हरा भरा, बहुत सुंदर ब्रजरज ब्रज, बहुत सुंदर चिड़िया चहक रही है, बहुत सुंदर बहुत अद्भुत है ना। और उसमें भगवान जा रहे हैं, बीच बीच में बंदर इत्यादि, महाराज बहुत सुंदर गुरु महाराज इसका वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से कभी बंदर इत्यादि आता है और कभी भगवान उसके पूंछ पकड़ते हैं, वो पेड़ पे लटक जाता है। तो किसी ने कहा कि भाई क्या यह बंदर हिंसक नहीं थे, बोले नहीं, अब वृंदावन के बंदर हिंसक कैसे हो सकते हैं। तो ये तो खैर बहुत सुंदर लीला है। तो इस प्रकार से आज गोपाष्टमी, और इस गोपाष्टमी में आज
से यहाँ पर बहुत सुंदर भगवान की दिव्य कथा शुरू होने जा रही है। बहुत ही सुंदर कथा। वैसे जब हमारी बात हो रही थी भाई क्या टॉपिक लिया जाए, हम और उपेंद्र कृष्ण प्रभु बात कर रहे थे कि प्रभु जी क्या टॉपिक लिया जाए आप बताइए। प्रभु जी ने कहा कि प्रभु जी दामोदर मंथ चल रहा है और दामोदर लीला हो जाए। वैसे भी मेरी बड़ी इच्छा थी कि एक बार बहुत सुंदर तरीके से भक्तों के बीच में बैठ करके दामोदर लीला किया जाए, है ना, बहुत सुंदर है। तो आज से यहाँ पर लगातार दामोदर लीला शुरू होगा। दामोदर लीला की जय, उखल बंधन लीला की जय। बड़ा ही यह पावन महीना है, भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाली है। और सब जैसे जानते हैं कि यह लीला कृष्ण को बड़ा प्रिय है। अब देखिए कृष्ण को यह महीना भी प्रिय है और कृष्ण को यह लीला भी प्रिय है। कृष्ण का फेवरेट लीला और भक्तों का भी यह फेवरेट लीला है। बहुत अद्भुत लीला। अब जानते हैं कार्तिक मास को और इतना प्रिय है कि इस महीने का नाम भी बदल दिया गया। अच्छा तो इसको कार्तिक कहते हैं लेकिन इसका एक और नाम है। क्या क्या नाम है? दामोदर लीला, दामोदर महीना। कि भगवान के उदर के ऊपर एक रस्सी बंधी थी, बस एक ही रस्सी बंधी थी और इसी रस्सी की बहुत बड़ी कथा है दामोदर लीला की। मैं आ रहा था तो कोई एक हमारे संबंधी मिले तो उन्होंने पूछा कि जा रहे कथा करने, बोले हाँ क्या बोलने वाले हैं, भागवत, बोले हाँ। तो ऐसे ही पूछा, बोले हाँ भागवत में दामोदर लीला। उन्होंने सोचा अब जैसे जनरल भागवत कथा होती है तो क्या होती है कि 7 दिन में पूरी भागवत कथा करनी है, 7 दिन में पूरी भागवत कथा कोई नहीं कर सकता है जी, संभव है? नहीं संभव है। प्रभुपाद ने कहा कि प्रभुपाद जी के अनुसार से 18,000 साल लगने चाहिए भागवत को पूर्ण करने में। कितने साल? 18,000 कुछ, है ना, क्योंकि एक श्लोक पे एक एक महीना भी अगर हम लोग चर्चा करें तो भी समझना बहुत मुश्किल है। भागवत एक छोटा सा विषय नहीं है भक्त, लेकिन ठीक है, एक परंपरा चली है तो महाराज कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हमने कहा कि हम लोग दामोदर लीला करेंगे। पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया, फिर हमने बताया कि वो भगवान को अच्छा वो लीला तो उस पे 7 दिन की कथा हो जाएगी। बोले हाँ उस पे क्यों नहीं होगी। तो बहुत सुंदर ये कथा है, तात्विक कथा है, बहुत तत्व है, बहुत भाव है, बहुत प्रेम है इस कथा में। आप सुनेंगे बहुत आनंद आएगा। वैसे आप सब तो कार्तिक मास की महिमा जानते ही है कि इसी मास में ही भगवान ने सबसे अधिक लीलाएं की है। और कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी कौन है? हाँ कौन है, इतना तो पता होना चाहिए। कौन है कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी? कथा आगे नहीं बढ़ेगी, बोलिए। देखिए हमारे राम श्याम प्रभु ऑनलाइन बोल रहे हैं, ऑफलाइन आना चाहिए, आपके काम में है। तो कौन है? राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, है ना, कार्तिक मास के अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी। तो उनकी कृपा से बहुत ही मास कृष्ण को बहुत प्रिय है। अब जानते हैं इस माह में भगवान को क्या किया जाता है? दिया अर्पित किया जाता है और दामोदर अष्टकम का
पाठ भी किया जाता है। तो ऐसा परम पवित्र मास और इस मास में भगवान कृष्ण की दसम स्कंद से दामोदर लीला हम लोग यहाँ पे करेंगे। भक्तों, मैं सर्वप्रथम यह स्वीकार करता हूँ, देखिए ये दसम स्कंद जो है ना, उसमें भी दामोदर लीला जो है सो परम हंसों की लीला है, बहुत अद्भुत लीला है, बहुत अद्भुत है। और ना तो हमारा हृदय पवित्र है और ना ही अभी तक हम भागवत को ठीक से जान पाए हैं, ना समझ पाए हैं, ना पढ़ पाए हैं, ना ही हम कोई पंडित, ना कोई साधु संत ज्ञानी महात्मा कुछ है नहीं, बस प्रयास कर रहे हैं अपने आप को साधने का, एक साधक बनने का, भगवान की कृपा दृष्टि कृपा पात्र बनने का, है ना। और भगवान के प्रति अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न कराने का, खुद को साध रहे हैं। जो कुछ भी अपने गुरु, अपने दीक्षा गुरु, अपने शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद भागवतम से पढ़ा है, सुना है, उन्हीं चीजों को मैं यहाँ पर रखूंगा, उन्हीं चीजों को आपको सब कहूंगा। और कुछ कुछ आचार्यों के टीका भी हम लोग लेंगे, जिससे कथा में और रस आ जाएगा। ऐसे श्रीला विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर भागवत जी के दसम स्कंद को भगवान का मुख कहते हैं, है ना। श्रीमद् भागवत का प्रत्येक स्कंद भगवान का अंग है और भागवतम का दसम स्कंद क्या है, भगवान का मुख है, प्रफुल्लित मुखार। और इस भागवत के दसम स्कंद का श्रवण करके निश्चित भगवान की प्राप्ति होती है, निश्चित भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म की कथा हम सुनते हैं, उस महात्म के अंतर्गत गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा आती है। आप जानते हैं, जानते ही होंगे आप लोग, हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गोकर्ण जी के जो पिता थे उनका नाम क्या था, आत्मदेव ब्राह्मण। तो गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश दिया, आत्मदेव ब्राह्मण को उपदेश दिया कि हे पिताजी, देह मांस रुधिरम मति तजत्वम, हे पिताजी, एक पीत वायु से बने हुए, मज्जा से बने हुए शरीर के प्रति आसक्ति को छोड़ दीजिए और इस आसक्ति के स्तर से ऊपर उठ जाइए, और उतना ही नहीं अपनी पुत्र अपनी पत्नी आदि से भी आसक्ति छोड़ दीजिए। पिताजी, मैं तो कहता हूं कि आप वन को चले जाइए और वन में जाकर के श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद का पाठ कीजिए, श्रीमद् भागवतम का पाठ कीजिए और भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो गोकर्ण जी का उपदेश सुनकर के आत्मदेव ब्राह्मण वन में चले गए और ऐसा वर्णन है, वेद व्यास जी लिखते हैं, श्री कृष्ण नामः दसमस्य पाठः। आत्मदेव ब्राह्मण श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद का पाठ करके, श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद की लीला को सुनकर पढ़कर देह को त्याग करके भगवान की प्राप्ति कर गए। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद यहाँ से आज प्रारंभ होगा। तो भगवान का यह दसम स्कंद जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है, वैसे महाराज परीक्षित जिनके जीवन में आप जानते हैं 7 दिन ही बचे हुए थे, भागवत कथा श्रवण करते 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 लगातार 3 दिन 3 रात बीत गए। लगभग 4th दिन सुखदेव जी गोस्वामी गंगा की प्रवाह की समान धारावत ये कथा सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं और उस कथा को, चलती हुई कथा को महाराज परीक्षित रोक रहे हैं। और महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को जिज्ञासा करते हैं, कोई मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे श्लोक, कौन करेंगे, बैठना है।
श्लोक चाहिए, बोल लेंगे ऐसे ही। माइक ले लीजिए। हरे कृष्ण जय श्री राधे, हरे कृष्ण जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक संख्या 1। श्रीराजोवाच कथितो वंशविस्तारः, कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययो, भवता सोमसूर्ययो राज्ञं चोभयवंशानां, राज्ञा चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतं, चरितं परमाद्भुतं। शब्दार्थ श्रीराजोवाच, श्रीराजोवाच राजा परीक्षित ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा कथितः, कथितः पहले ही वर्णित हो चुका है, पहले ही वर्णित हो चुका है जो जो वंश विस्तारः वंश का विस्तार से वर्णन, वंश के विस्तार से वर्णन भवता आपके द्वारा सोम सूर्ययो चंद्रदेव तथा सूर्यदेव के राज्ञम राजाओं का च तथा उभय दोनों वंश्यानाम वंश के सदस्यों का चरित्र परम चरित्र परम श्रेष्ठ अद्भुतम तथा अद्भुत। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं, राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आपने चंद्रदेव तथा सूर्यदेव दोनों के वंशों का, उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्रों के सहित विशद वर्णन किया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य पढ़िए। नवम स्कंद के अंत में 24वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण के कार्यकलापों का सार दिया है। उन्हें बतलाया है कि कृष्ण किस प्रकार धरती का बोझ कम करने के लिए स्वयं प्रकट हुए थे, किस तरह उन्हें गृहस्थ के रूप में लीलाएं की और किस तरह जन्म के तुरंत बाद उन्होंने उनकी ब्रजभूमि लीला में ले जाया गया। परीक्षित महाराज कृष्ण भक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के विषय में और अधिक सुनना चाह रहे थे, इसलिए कृष्ण के विषय में कथा कहते रहने तथा विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का आभार प्रकट किया कि उन्होंने कृष्ण के कार्यकलापों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, जातो गतः पितृगृहाद्वर्जे मिलितार्थो हत्वारि पुंसुत्सतीनां कुतो रुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषः कृतभिः शमीजे आत्मा आत्मनाम आत्मिगमं प्रात्यांजनेषु। जातो गतः पितृगृहाद्वर्जे मिलितार्थो हत्वारि पुंसुत्सतानि कुतो रुदारः उत्पादतेषु पुरुषः कृतभिः शमीजे आत्मानम आत्मानिगम प्रत्याजनेषु। लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए
किंतु वे तुरंत ही अपने पिता के घर छोड़कर वृंदावन चले गए, जिससे वहां अपने विश्वस्त भक्तों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों का विस्तार कर सके। उन्होंने वृंदावन में अनेक असुरों का वध किया और बाद में द्वारका चले गए, जहां उन्होंने वैदिक विधि से अनेक पत्नियों के साथ विवाह किया। जो स्त्री रत्ना थी उनसे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए और गृहस्थ जीवन के नियमों की स्थापना करने के लिए अपनी पूजा हेतु अनेक यज्ञ संपन्न किए। भागवत 9:24-66 जदुवंश सोम अर्थात चंद्र देव से चले आ रहे कुल से संबंधित था। यद्यपि ग्रहों की ऐसी व्यवस्था है कि सूर्य चंद्रमा से पहले आता है, किंतु परीक्षित महाराज ने चंद्र वंश अर्थात सोम वंश को अधिक सम्मान दिया, क्योंकि चंद्रमा से चले आ रहे यादव वंश में कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। दो पृथक क्षत्रिय राजवंश हैं, चंद्र ग्रह के राजा से चला आने वाला वंश तथा सूर्य ग्रह के राजा से चला आने वाला वंश। जब भी भगवान अवतीर्ण होते हैं तो समानता वे क्षत्रिय वंश में प्रकट होते हैं, क्योंकि वे धर्म के सिद्धांतों तथा सत्यमय जीवन की स्थापना करने आते हैं। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय वंश मानव जाति का रक्षक होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए तो वे सूर्य देवता से चले आ रहे सूर्य वंश में अवतरित हुए थे, किंतु जब वे कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो चंद्र देवता से चले आ रहे यदुवंश में अवतीर्ण हुए। श्रीमद्भागवत के नवम स्कंद के 24वें अध्याय में यदुवंशी राजाओं की लंबी सूची दी हुई है। सोम वंश तथा सूर्य वंश के सारे राजा महान तथा शक्तिशाली थे और महाराज परीक्षित ने सबकी बड़ी प्रशंसा की थी। राज्ञां चोभ्यं वश्यानां चरितं परमदा अद्भुतम्। फिर भी वे सोम वंश के विषय में और अधिक सुनना चाह रहे थे, क्योंकि इस वंश में कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम का वो चिंतामणि धाम कहा गया है। चिंतामणि परकरश प्रकाशसु कल्पवृषलसावृतेषु सुरभिराभिपालायन्तम्। इस धारा पर वृंदावन धाम उसी धाम का प्रतिरूप है, जैसा भगवत गीता में कहा गया है। वैकुंठ लोक में एक अन्य नित्य प्रकृति होती है, जो व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे होती है। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों तथा ग्रहों तथा चंद्रमा तथा सूर्य के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके परे अव्यक्त है, जो देहधारियों के लिए अदृश्य होता है। इस अव्यक्त पदार्थ के परे आध्यात्मिक लोक है, जिसे भागवत गीता में परम तथा नित्य कहा गया है। इस लोक का कभी संहार नहीं होता। यद्यपि भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन तथा संहार होता रहता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति शाश्वत रहती है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में उस आध्यात्मिक जगत का वर्णन वृंदावन गोलोक वृंदावन या ब्रजधाम के रूप में हुआ है। नवम स्कंद के उपर्युक्त श्लोक जातो गत पितृगृहात का विस्तृत वर्णन इस दशम स्कंद में मिलेगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अब सभी भक्तों का स्वागत है दशम स्कंद में। तो धारावाहिक कथा को रोककर महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं। हे परम विरक्त चूड़ामणि श्री सुखदेव जी गोस्वामी महाराज, प्रभु आपने सोम वंश और सूर्य वंश में जन्म लेने वाले अनेकों राजाओं महाराजाओं का अद्भुत अद्भुत चरित्रों का वर्णन किया। क्या अद्भुत थी इन राजा महाराज हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से अलग अलग राजाओं के परम चरित्र का वर्णन श्लोक सुखदेव जी गोस्वामी महाराज की है। क्या अलग अलग चरित्रों का वर्णन किया, तो कहते हैं जैसे नवम स्कंद में कथा आती है शुद्युम्न की, है ना। तो ये राजा हुए और एक बार युद्ध करने के लिए जा रहे थे, युद्ध किए, युद्ध करके आ रहे थे घर जाने की जल्दी थी, सोचा हाईवे से जाऊंगा, थोड़ा लंबा रास्ता है, एक काम करता हूँ, ये बगल का जंगल है इसको क्रॉस कर जाऊंगा तो उसके बाजू में उसके पीछे तुम्हारा घर है, पहुंच जाएंगे। अब बोले क्या करें। तब जैसे ही उस जंगल को क्रॉस किए, जंगल क्रॉस करते ही थे तो बड़े पुरुषार्थ पुरुष वाले राजा, एकदम मजबूत राजा थे, लेकिन जैसे ही जंगल क्रॉस किए तो पता चला कि हम स्त्री बन गए हैं, चले थे पुरुष में बन गए हैं स्त्री। शुद्युम्न में भी महसूस किया और उनके सैनिकों ने भी महसूस किया, साथ ही साथ जो घोड़े थे वो भी बन गए थे घोड़ी, सब लोग ऐसे ही हो गए। अब घर पहुंचे तो देखा कि बहुत इनके पिताजी को जब यह बात पता चला बड़ा कष्ट हुआ, ऐसे हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि शिव जी को प्रार्थना की है, शिव जी की तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हो गए, शिव जी को बोला कि महाराज आपका क्षेत्र था, हमारे बच्चे को पता नहीं चला, वह वहां से गुजरा और अब देखिए अच्छा खासा लड़का था, अभी लड़की बन गया है, आप कुछ उपाय करिए। भोलेनाथ ने कहा अब हम क्या उपाय कर सकते हैं, जो होना था सो तो हो गया, लेकिन क्योंकि तुम कुछ हमें प्रसन्न कर लिए हो तो कुछ रिबेट मिल जाएगा, बोले जो मैक्सिमम हो कर, बोले यही कर सकता हूँ, या एक महीना तक स्त्री रहेगा और एक महीना तक पुरुष रहेगा। बोले महाराज अगर नहीं संभव है जो है वही कर दीजिए, क्या करिएगा। तो ठीक है, वही कर दिया गया, तो यह शुद्युम्न अब बन गया स्त्री। जब यह स्त्री होता था तब इसका नाम रहता था इला, और जब पुरुष होता था तो शुद्युम्न। तो एक दिन यह स्त्री का माह चल रहा था और यह शुद्युम्न अपने बगीचे में इला के रूप में घूम रही थी ना, तो चंद्र और सोम का नजर पड़ा उनके ऊपर, विवाह का प्रस्ताव किया, तो विवाह करते हैं, और ठीक है करते हैं। विवाह हो गया, एक महीना बीता, एक महीना बीतने के बाद पता चला अरे अब तो ये पुरुष हो रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग राजाओं महत्व बाद में चल के पुरुरवा महाराज आदि का जन्म होता है। तो इस प्रकार से यह अद्भुत अद्भुत लीलाओं का वर्णन नवम स्कंद में किया गया। भाव ये है कि महाराज अब मैं उन राजा महाराजाओं की कथा को नहीं सुनना चाहता हूं, अब मैं उन राजाओं महाराजाओं की कथाओं को नहीं सुनना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु मेरे जीवन में अब बहुत कुछ दिन बचा हुआ है, बहुत कम दिन से इस बचा हुआ है, अतः उन दिनों में मैं केवल एक ही कथा सुनना चाहता हूं, और वह कौन है, कृष्ण कथा, केवल और कृष्ण कथा। यदोश धर्म शीलस्य नितराम मुनि सत्यम तत्र हंसेन वितरणस्य विष्णु वीर्याणि संशयः, विष्णु वीर्याणि संशयः। अब इन बचे हुए दिनों में महाराज में महात्मा धर्मात्मा यदु महाराज के वंश में जन्म लेने वाले भगवान कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूं। अब अगर आप यहां पर भी देखें, यदु महाराज को धर्मात्मा कहा गया है ना, यदु महाराज के धर्मात्मा कहा गया है, धर्मशीलस्य कह रहे हैं, धर्म के व्याता थे, धर्मशील थे, धर्म का पालन करने वाले थे।
लेकिन अगर उनके पूर्व देखें तो यदु महाराज के पिता का नाम था ययाति महाराज। क्या नाम था? ययाति महाराज। और ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री के साथ हुआ था। उनके पुत्री का नाम याद नहीं आ रहा है। क्या नाम था उनकी पुत्री का, याद है आप लोगों को? अच्छा नाम था, कुछ भूल रहा हूँ, समिष्ठा ऐसा ही कुछ नाम था। हाँ समिष्ठा। तो उनसे विवाह हुआ था, लेकिन कुछ कारण से ये जो शुक्राचार्य की पत्नी थी वह एक बार इनसे अयाति महाराज से प्रसन्न हो गई। और अब जानते हैं माताओं का एक लक्षण, मैं मायके चली जाऊंगी। तो यह मायके चले गए, मायके गए तो ये भी पीछे पीछे गए मनाने के लिए। प्रभु जी लोग जाते हैं मनाने के लिए, कह रहे मेरी पत्नी रूठ करके चली गई है, थोड़ा जा करके मना लिया जाए, है ना। ये होता है, ये अनुभव भी कह सकता हूँ और लोक जगत में देखा हुआ भी कह सकता हूँ, है ना। तो मनाने के लिए पहुंच जाते हैं, लाइट चलाए। तो उस समय उनकी पत्नी ने सुखदेव इनको शुक्राचार्य जी को कह दिया कि मेरे पति ने ऐसा ऐसा कार्य किया है। शुक्राचार्य जी को बड़ा क्रोध हुआ और क्रोध होकर के कह दिया कि तुम जवानी में ही बूढ़े हो जाओ। अब यह अयाति महाराज हो गए बूढ़े। अब बड़ा दुख हुआ, बोले रे तो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई। फिर मनाने लगे, ससुर जी मान जाइए महाराज, देखिए ठीक बात नहीं है। अब सोचिए अगर हम लोग दोनों बाहर घूमने जाएंगे आपकी पुत्री के साथ तो लोग तो आपका ही मजाक उड़ाएंगे ना कि शुक्राचार्य जी अपनी बेटी का विवाह बूढ़े से कर दिए, ये तो ठीक नहीं लगेगा, कुछ उपाय करो। बोले अब देखो शराब तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक उपाय किया जा सकता है। बोले क्या? बोले कि अगर आपके इतने सारे पुत्र हैं, अगर कोई पुत्र आपको अपनी जवानी दे दे तो आप पुनः जवान हो जाएंगे, पुनः जवान हो जाएंगे। तो यह अयाति महाराज बोले अरे मेरे इतने सारे पुत्र हैं, कोई ना कोई हमें दे ही देगा, चलो चलते हैं। तो जैसे ही गए तो यदु महाराज को बोले तो यदु महाराज ने मना कर दिया, बोले नहीं मैं आपको अपनी जवान नहीं दूंगा, पिता के आदेश को नहीं माना। और महाराज परीक्षित उनको क्या कह रहे हैं? धर्मशीलस्य। क्यों कह रहे हैं? यदु महाराज ने देखा कि मैं अपनी जवानी अपने पिता को देता हूं तो ये क्या करेंगे, मेरी जवानी से मेरे माता के साथ भोग भोगेंगे, माता को भी नरक में भेजेंगे और अपने भी नरक में जाएंगे। इससे तो अच्छा ये होगा कि मैं अपनी जवानी से भगवान की भक्ति करूं, अपने पिता का भी उद्धार कर दूंगा और अपनी माता का भी उद्धार कर दूंगा। यदि माता पिता का आदेश, बहुत सुंदर सिद्धांत। आप लोग तो बुजुर्ग हैं, नए नए लड़के हमारे पास, लड़के लड़कियां भक्ति करने आते हैं और बोलते हैं प्रभु जी माता पिता आदेश नहीं दे रहे हैं, भक्ति करने में बाधा बन रहे हैं। तो बहुत सुंदर यदु महाराज का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? कि भाई अगर भक्ति में अपनी माता पिता भी बाधा बने तो उसे क्या करना चाहिए? उनकी बात को नहीं मानना चाहिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खुद ही हम बेकार हैं और माता पिता के ऊपर दोष अर्पित करें, समझ रहे हैं ना, खुद हम हैं हिरण्यकश्यपु जैसा और माता पिता की बात को नहीं माने, ऐसा नहीं। अगर पिता हिरण्यकश्यपु जैसा हो और बेटा प्रहलाद महाराज जैसा हो तब नहीं माना जा सकता, समझ रहे हैं ना, ऐसी स्थिति में। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम माता पिता का अपमान करें, ध्यान रखिए, माता पिता का अपमान करने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन भक्त समाज में ये निर्देश दिया जाता है कि अगर माता पिता भक्त ना हो और पुत्र को संतान को भक्ति करने से रोक रहा हो तो उनकी बातों को क्या करना चाहिए? आप लोग बताइए, नहीं मानना चाहिए। उनकी इज्जत में कमी नहीं करनी चाहिए, उनका सम्मान देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन कभी भी उनकी बात माननी नहीं चाहिए, है ना।
आप जानते ही हैं कि भाई बहुत सारे लोग आते हैं, कभी कभी माता जी लोग भी आते हैं कि भाई हमारे प्रभु जी हमें भक्ति करने के लिए नहीं दे रहे हैं, आप कुछ कृपा करिए। लेकिन इस प्रकार का सिचुएशन हो तो हमें उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए, हाँ ना ऐसे वैसे करके पार कर देना चाहिए, लेकिन कभी भी उनकी बातों को सुनना नहीं चाहिए। तो यदोष्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम, हे मुनिसत्तम, मुनियों में श्रेष्ठ हे सुखदेव जी गोस्वामी महाराज अपने वन से बलराम जी के साथ अवतीर्ण होने वाले भगवान विष्णु की कथा सुनाइए। विष्णु का अर्थ है जो कृष्ण सर्वव्यापक है, सब जगह पर रहते हैं, ऐसे कृष्ण की कथा सुनाइए। इतना ही नहीं, अवितर्यो यदोवन से भगवान भूत भावन कृतवान यादि विश्वात्मा तानी न वदा विस्तरात। जो भगवान समस्त जीवों का पालन करते हैं, जो कृष्ण का भजन नहीं करते उनका भी वे पालन करते हैं, ऐसे भूत भावन श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। प्राय भागवत में यह पूछा जाता है कि कृष्ण का जन्म कब है, जिस दिन भगवान का जन्म होगा ना वह उस दिन हम लोग कथा सुनने आएंगे। तो वह जन्म जो है सो कब है, कल ही करा देंगे हम लोग भगवान का जन्म। भगवान जब प्रकट होंगे तब तो दामोदर लीला होगा ना, उसे ऐसे बिना प्रकट किए कैसे होगा है, तो उत्सव कल ही मना लिया जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं उत्सव में क्या करना चाहिए, हमें भगवान के लिए कुछ लेकर के आना चाहिए। ठीक है, सभी भक्त कुछ भगवान के लिए प्रसाद बना करके, भोग बना करके भगवान के लिए लेकर के आएंगे। यहाँ पे बहुत सुंदर भगवान को ऑफर किया जाएगा, भगवान को भोग लगाया जाएगा। तो ये कृष्ण कथा सबको पसंद है भक्तों, उसमें भी कृष्ण के जन्म की कथा बहुत अद्भुत है, हृदय के मेल को मुक्त करने वाली है। क्योंकि कृष्ण कथा अत्यंत आनंददायक है, और ये कृष्ण कथा इस संसार में जो सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग क्या है, भव रोग, उस भव रोग से मुक्त करने वाली है, औषधि के समान है। शंकराचार्य कहे ना, क्या कहे, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मत, भज भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। संप्राप्ते क्षण निहिते काले नहीं नहीं रक्षित डूत्रिम करणे, संप्राप्ते क्षण निहिते काले नहीं नहीं रक्षित डूत्रिम करणे, भज गोविंदम भज गोविंदम भूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इह संतारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहे मुरारे, इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे, भज
गोविंदम भज पूर्णम ते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम पूर्णम ते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़म ते हे मूढ़म ते गोविंद का भजन करो। किसका भजन करो? गोविंद का भजन। गोविंद का भजन ही है जो क्या कर सकता है, चौरासी के चक्र से मुक्त कर सकता है, माँ के गर्भ में आना बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। तो आप सबके पास बहुत सुंदर अच्छा अवसर है कृष्ण का भजन करने का, लगातार 7 दिन तक है, वो भी दशम स्कंध कृष्ण के मुखारविंद, लगातार 7 दिन तक यह कथा चलेगी। आप सब लोग आइए, आज तो प्रथम दिवस था, कथा विलंब हो गई, 1 बजे शुरू होने वाली थी, 2 घंटे विलंब हो गई, 1.5 घंटा विलंब हो गई, कोई चांस नहीं है। मैं यहाँ से अच्छे से परिचित हूँ तो यहाँ पे विलंब होने का कोई संभावना नहीं है। कल से पक्का हम लोग 1 बजे यहाँ पे 12:30 से कीर्तन शुरू, 1 बजे ओके 12 से कीर्तन शुरू और 1 बजे तक कथा शुरू हो जाएगी। अब देखिए यह लीला बहुत बड़ा है, ये लीला इतना सा नहीं है, आप देखते हैं कि खाली भगवान को बांध दिया नहीं, ये लीला बहुत बड़ा है। इस पे हम लोगों ने पिछले साल हम लोगों ने इस पे ऑनलाइन क्लास किया था जब जिसमें लॉकडाउन चल रहा था, तो 60 से 70 दिन तक इस पे हम लोग क्लास किए थे लगातार 1-1 घंटे का, तो 70 घंटा कितना घंटा 70 घंटा चाहिए हमें। अगर हम बहुत अच्छे से तत्व से सुनना चाहें तब चाहिए 70 घंटा, और हमारे पास कितना है 7 दिन, 7 दिन में से कितना घंटा सुनना है 3 घंटा, 7 + 21 घंटा हम 3 निकाल दीजिए 18 घंटा। तो अगर आप टाइम पे आएंगे तो कथा ससमय शुरू हो पाएगी और ससमय समाप्त हो पाएगी, तब थोड़ा बुद्धि में घुसेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, अरे ओ वही ना दामोदर लीला जो रस्सी लिया और बांध दिया रगड़ के भगवान को ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर सुनना है समझना है तो कम से कम अभी 20 घंटा तो सुनना पड़ेगा। ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम लोग इसको 2 सत्र में करेंगे जैसे पिछली बार किए थे, आफ्टरनून और इवनिंग। ठीक है, तो कल तक डिसाइड करेंगे कि कैसे करना है, लेकिन अभी कल तो 1 बजे से फिक्स है। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आरती कराइए। अभी चार्ज में है कि नहीं? जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रभु जी हम लोग को दामोदर लीला पर जो कथा सुनाए, हम लोग प्रभु जी का आभार प्रकट करेंगे कि अपने व्यस्तम समय में से हमें सर्विस करते हुए भी हम लोग को समय दिए। प्रभु जी हम लोग के गांव पर इतना खुश रहते हैं कि कभी हम लोग आते हैं तो आने पर एकदम तैयार रहते हैं। यहाँ भक्तों का जो उत्साह है वो प्रभु जी का ही देन है कि हम लोग प्रतिदिन सभी इस्कॉन के नियमों के अनुसार भक्ति करते हैं, ये प्रभु जी की कृपा है। हम पैसे प्रभु जी को महामंत्र से स्वागत करेंगे और प्रेम पूर्वक हम लोग प्रभु जी का कथा में आने का कष्ट करेंगे समय पर, क्योंकि जब श्रोता रहता है तभी वक्ता का मन लगता है, इसीलिए समय से सभी लोग आने का कष्ट करेंगे। हम आप लोग से ही आग्रह विनती करेंगे, प्रभु जी का हम महामंत्र से स्वागत करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम। हम श्रोता भी का आभार प्रकट करेंगे और महामंत्र से स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। अब लो आप भागवत महापुराण की आरती। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आरती अति पावन पुराण की। 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 धर्म भक्ति सकल सुख कारिणी। सकल सकल सुख कारिणी। सुमहो सदी हरि चरित ज्ञान की। सुमहो सदी हरि चरित ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विराग विवेक विकासिनी। भागवत तत्पर हर्ष प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस राज विलासिनी। रसिक हृदय रस राज विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। किंचन प्रिय सुजान की। कथा आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम।
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे भागवत महापुराण के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। सभी भक्तों से अनुरोध है कि शाम को भी दामो